सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो जैसा कि हम पिछले टॉपिक में हम डिस्कस किया था कि डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के बारे में हमने जाना था कि फूड किसे कहते हैं, विटामिन क्या होते हैं, फूड क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, कितने टाइप के विटामिन होते हैं। सो आई होप आप लोगों ने वो वाला वीडियो देखा होगा। अब आज जो हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, वो हम लोग देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस टॉपिक में, इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपसे पहला पॉइंट, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि देखिए बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, लिखिए एक पॉइंट, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय अवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। सो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल इन द फूड कैनॉट बी यूटिलाइज बाई एवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन and converted into simple observable forms is called digestion, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे प्रोसेस डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन के ऊपर। सो आप एक खेल डाल लीजिए कि डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, तो मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पे मैंने आपसे ये कहा कि जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे फूड के अंदर, हमारे खाने के अंदर, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन, ओके। सो हम डेफिनेशन की बात करेंगे। सो आप हेडिंग डालिए डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। अब बात करिए डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। तो देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन एंड इज कैरिड आउट बाय अवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स, ठीक है। तो लिखते हैं इसके बारे में, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन एंड इज कैरीड आउट बाय अवर डाइजेस्टिव सिस्टम and is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical and biochemical and biochemical and biochemical methods। तो मैंने आपसे क्या कहा, the process of conversion of complex food substances into simple observable forms is called digestion। complex food substances का simple observable forms में जो conversion होता है उसको हम digestion कहते हैं, और ये digestive system के द्वारा कराया जाता है by mechanical and biochemical methods। अब इसका मतलब क्या होता है mechanical और biochemical methods का, जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाने को चबाते हैं तो उसे कहते हैं mastication, तो वो हो गया mechanical process। और जहां पर कोई chemical involved होता है, जैसे हमारे खाने के ऊपर जब enzymes काम करते हैं तो उसे कहते हैं biochemical method, ठीक है। so this is called mechanical and this is called biochemical। अब हम लोग बात करेंगे digestion के अंदर कौन कौन से phases होते हैं। so phases of digestion के ऊपर बात करेंगे, phases of digestion
ठीक है। सो इसके फेजेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो मैं आपसे ये कहूंगा, और बल्कि जो है आप ये समझिए, सबसे जो पहला फेज जो होता है दैट इज कॉल्ड इंजेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, एंड द अदर वन इज कॉल्ड मूवमेंट, एंड द अदर वन इज कॉल्ड मूवमेंट, एंड द अदर वन इज कॉल्ड मूवमेंट, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन, एंड आफ्टर दैट अब्जॉर्प्शन, एंड आफ्टर दैट अब्जॉर्प्शन, एंड आफ्टर दैट अब्जॉर्प्शन, एंड सबसे जो लास्ट वन होता है उसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन, उसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन, क्या कहते हैं उसको हम लोग एलिमिनेशन कहते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं इंजेशन, इंजेशन हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने को हम लोग क्या कहते हैं इंजेशन। उसके बाद जो ओरल कैविटी में उसका जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जब खाना हमारे मुंह से होकर के स्टमक तक पहुंचता है तो उसे कहते हैं मूवमेंट। फिर उसके बाद में होता है मैकेनिकल डाइजेशन, हमारे माउथ में जब चीज चबाते हैं तो उसे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, फिर जब उस पर एंजाइम्स काम करते हैं उसे कहते हैं केमिकल डाइजेशन, ठीक है, और फिर जब एंजाइम्स काम कर लेते हैं उसमें जो जो अच्छा सारा जो फूड होता है उसे हम लोग जब अब्सॉर्ब करते हैं तो कहते हैं अब्सॉर्प्शन है, जितना अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन है, और इसको इसको भी हम लोग डिटेल समझेंगे, स्क्रिप्टा को कैसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं, सारी बातें देखेंगे हम लोग, इंजेशन कैसे कहते हैं, मूवमेंट कैसे कहते हैं, मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन क्या होता है, अब्सॉर्प्शन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, सबके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पर सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था कि एक बार रिकैप करते सारी चीजों को, तो मैंने आपसे कहा था कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जो होगा हमारे फूड में वो हमारी बॉडी में अपनी ओरिजिनल फॉर्म में अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल इन दी फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय अवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म्स, इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ complex food substances into simple observable forms is called digestion and is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods. एंड फेजेस ऑफ डाइजेशन के ऊपर अगर जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं आपसे कि सबसे पहले होता है इंजेशन, देन होता है मूवमेंट, देन होता है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, देन होता है अब्जॉर्प्शन, एंड देन होता है एलिमिनेशन। सो आई होप आज ये सारे पॉइंट आपके लिए बिल्कुल क्लियर होंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज से बना होता है, क्या होती है एलिमेंट्री कैनाल, क्या होती है एनस, क्या होते हैं उसके बकोफेरेंजियल कैविटी, क्या होता है इसोफेगस, क्या होता है, इन सब चीजों के ऊपर जब हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कितने उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल होते हैं जैसे कि मैं आपसे बताऊं तो उसमें क्या क्या होता है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसमें ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। फिर हम एक एक को डिटेल्स में देखेंगे, फिर हम उसकी लेयर्स को देखेंगे, बहुत सारी चीजों को हम देखेंगे, और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये पूरी सीरीज आएगी, ठीक है। और एक एक कंसेप्ट के लिए मैं एक अलग अलग वीडियो में इसीलिए बना रहा हूं ताकि वीडियो आपको छोटा लगे और आपको रिवाइज करने में ज्यादा हेल्प हो जाए आपकी, ठीक है। सो मैं आपको जो भी मैंने आपसे कहा था पिछली बार की जो भी इससे क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 हैं, आप उन क्वेश्चन को बिल्कुल फोड़ के आएंगे अगर आपने इस पूरी सीरीज को फॉलो कर लिया, क्योंकि मैं 100% एनसीईआरटी तो कवर कर ही रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी बाहर से आता है मैं उसको भी कवर कर रहा हूँ। इससे बाहर से अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज इससे बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकता है। मैं 2-3 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन उनके में ना आया हो, तो आपके साथ भी ऐसा नहीं होगा। सो इस सीरीज को पूरा देखिए, एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए।